नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के मुलताई में पेयजल की समस्या से जूझते ग्राम कोलिया के निवासी, 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर। मुलताई जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मालेगांव का संयुक्त ग्राम कोलिया के निवासी पिछले 6 मार्च से पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं। कोलिया ग्राम के लोग पीने के पानी के लिए ग्राम से 2 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे के समीप लगे ट्यूबवेल से पानी लाने को मजबूर है। पंचायत द्वारा नल जल योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर में तो नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इन नलों में पिछले 6 माह से पानी नहीं आया है, जिसके चलते ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। सब काम धंधा छोड़कर हाईवे के समीप ट्यूबवेल पर सुबह से ही लोगों की भीड़ के लिए लाइन लग जाती है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में पाठे की जमीन है, जिस वजह से ट्यूबवेल में पानी नहीं होने के कारण पिछले कई समय से ग्रामीणों को पानी की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। हाईवे के किनारे लगे ट्यूबवेल में पूरा का पूरा गांव सुबह से ही पानी के लिए लाइन लगाकर खड़ा रहता है। पूरी ग्रीष्म ऋतु निकल गई, फिर भी पानी की किल्लत बनी हुई है। एमपी स्टेट कोऑर्डिनेटर राजेश खड़से कहाँ रहते हो? ये जो गांव से इतनी दूर आके तुम लोग पानी भर रहे हो, तो क्या पंचायत ने यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं करी आपके गांव में पानी की? सर, यहाँ पे मतलब वहाँ घरों घर में मतलब नल तो लगा है, बट पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा, पानी नहीं दे पा रहे, तो बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ। कितने दिनों से नल नहीं आया आपके यहाँ? हो गया है धीरे धीरे, 6 महीने तो होते आ गया सर, नल नहीं आया, पानी की बहुत समस्या। और फिर क्या बोलते हैं, मतलब आवेदन भी लगाया पंचायत में सरपंच सचिव को, पर वो कोई ऑप्शन ही नहीं उठा रहे। क्या कहते हैं ये लोग? बोलते पानी नहीं आ रहा नल में, पानी नहीं आ रहा, बस यही कह के टाल देते हैं। गांव में कोई ट्यूबवेल की व्यवस्था इसके अलावा? सर, ट्यूबवेल कोई ट्यूबवेल की व्यवस्था ही नहीं है सर। तो अभी आप लोग क्या चाहते हो ये बताएं? कि पानी की सुविधा हो जाए कोलिया में।